हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के ये वीडियो में हम बात करेंगे कि हम अपनी इम्यूनिटी सिस्टम को कैसे इम्प्रूव करें, बिकॉज अभी सर्दियों का भी मौसम चल रहा है। तो ऐसे में कुछ लोगों को बार बार सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार ऐसी परेशानियों से हमें गुजरना होता है। तो ऐसे में हमें अपनी इम्यूनिटी सिस्टम जो है वो कैसे स्ट्रांग बनानी है, तो ये सभी के बारे में आज के ये वीडियो में हम देखेंगे। तो वैसे तो आप सभी लोग जानते ही होंगे कि इम्यूनिटी सिस्टम जो है वो हमारे बॉडी में कितना इम्पोर्टेंट है। तो वो हमारे बॉडी में उसका कितना इम्पोर्टेंट मेजर वो एक रोल प्ले करता है हमारे बॉडी में। तो अगर हमारा इम्यूनिटी सिस्टम जो है वो ठीक से काम नहीं कर रहा होगा, अच्छा नहीं होगा, तो हमें बार बार जो है वो बीमारियाँ आती रहती है, चाहे वो जुकाम हो, खांसी की परेशानी हो, या फिर बुखार का आना, या फिर एलर्जी की परेशानी हो। तो ये सभी परेशानियों के बारे में हमें बार बार ये सभी चीज़ों में से हमें गुजरना पड़ता है। आप सभी देखते होंगे कि आपके घर में अगर बच्चे होंगे या फिर बुजुर्ग होंगे, तो उनको बार बार सर्दी, खांसी, जुकाम ऐसा ये सब भी परेशानियां जो है वो होती रहती है। और ये सभी चीज़ें देख के हम भी बहुत ही ज़्यादा परेशान रहते हैं। स्पेशली जब अगर बच्चे होते हैं तो वो बार बार अगर बीमार पड़ते रहते हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी जो इम्यूनिटी सिस्टम जो है वो कमज़ोर है, जिसकी वजह से उनकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है या फिर जो डिफेंस मैकेनिज्म होता है वो कहीं ना कहीं वो वीक है, जिसके फलस्वरूप आप या फिर आपके बच्चे जो है वो बार बार ये बीमारियों से उनको ये गुजरना पड़ता है। तो आज मैं आप लोगों को एक होम्योपैथी का एक ऐसा मदर टिंचर के बारे में आप लोगों को बताऊंगी जो एक इम्यूनिटी सिस्टम के ऊपर बहुत ही अच्छा वर्क करता है, चाहे वो बच्चे हो या फिर बुजुर्ग हो, सब लोगों के ऊपर वो इम्यूनिटी सिस्टम के ऊपर वो बहुत ही अच्छा सा रोल प्ले करता है। ये ना ही सिर्फ मदर टिंचर जो है वो ना ही सिर्फ ये आपकी इम्यूनिटी सिस्टम को इम्प्रूव करने में काम करता है, बल्कि साथ ही साथ अगर आपको कहीं भी इन्फ्लामेटरी कंडीशन है आपके बॉडी में, कहीं भी छोटी सी सूजन है, तो ये सभी चीज़ों को भी ठीक करने में ये मदर टिंचर जो है वो बहुत ही अच्छा सा वर्क करता है। तो चलिए जानते हैं कि ऐसा कौन सा मदर टिंचर है जिसको आप आपकी इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्ट करने में आपको मदद मिल जाएगी। तो आज मैं आप लोगों को आपकी इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्ट करने के लिए मैं आप लोगों को दो ऐसी मेडिसिन बताऊंगी जिसका आप रेगुलरली सभी के ऊपर आप लोग उसका यूज कर सकते हैं। आपके से पहले हमें जो मेडिसिन लेनी है वो है इचनेसिया ऑगस्टा मदर टिंचर। तो वो आपको मदर टिंचर के फॉर्म में लेनी है, तो वो बहुत ही वो एक अच्छी मेडिसिन है, वो बहुत ही एक अच्छी एंटीसेप्टिक मेडिसिन मानी गई है होम्योपैथी में। और वो आपके किसी भी प्रकार के अगर आपके बॉडी में इन्फेक्शन होता है तो उसको ख़त्म करने में ये मेडिसिन जो है वो बहुत ही मददगार साबित हुई है। और साथ ही साथ ये आपकी इम्यूनिटी सिस्टम को भी इम्प्रूव करती है, आपके डिफेंस मैकेनिज्म को भी ये इम्प्रूव करती है। तो ये बहुत ही एक अच्छी मेडिसिन है। तो उसको आप लोगों को कैसे यूज़ करना है, तो उसके लिए आप लोगों को सबसे पहले एक स्टरीलाइज यानी कि साफ सुथरी आप लोगों को 100 ml की बॉटल लेनी है। आपको कोई भी होम्योपैथिक स्टोर से भी आप लोगों को ये जो स्टरीलाइज बॉटल जो आती है वो आप लोगों को इजीली मिल जाएगी। तो उसमें आप लोगों को हाफ बॉटल, 100 ml की जो बॉटल है उसमें आप लोगों को हाफ यानी कि 50 ml जो है वो आप लोगों को ये इचनेसिया ऑगस्टा का मदर टिंचर उसमें लेना है। और साथ ही में जो दूसरी मेडिसिन है वो है जिनसेंग क्यू यानी कि जिनसेंग मदर टिंचर। तो वो भी एक बहुत ही अच्छी मेडिसिन है, वो आपके इम्यूनिटी सिस्टम को, आपके इम्यूनिटी को इम्प्रूव करने में बहुत ही अच्छा रोल प्ले करती है जिनसेंग मदर टिंचर। और साथ ही में अगर आप लोगों की मेमोरी, आप लोगों को मेमोरी वीकनेस का आप लोगों को प्रॉब्लम है, आप लोगों की मेमोरी जो वीक है, आप लोग बार बार सब चीज़ें भूल जाते हैं, ज़्यादातर ये चीज़ें बच्चों में और बड़े बुजुर्गों में ये चीज़ें ज़्यादा देखने को मिलती है, तो उन लोगों के ऊपर भी ये जिनसेंग मदर टिंचर जो है वो मेमोरी के लिए भी बहुत ही एक अच्छा बूस्टिंग मेडिसिन है। अभी आप लोगों को ये दूसरी मेडिसिन मैंने आप लोगों को जो बताई जिनसेंग मदर टिंचर, उसको भी वो सेम ही बॉटल में आप लोगों को ऐड कर देनी है। तो दोनों मेडिसिन आप लोगों को इक्वल क्वांटिटी में लेना है और दोनों को अच्छी तरह से बॉटल में मिक्स कर लेना है आप लोगों को। और ये मेडिसिन को अभी कैसे लेना है वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। तो आप लोगों को ये मेडिसिन जो है वो 15 बूंद आप लोगों को सुबह और शाम 1/4 कप वाटर में मिक्स करके आप लोगों को ये मेडिसिन लेनी है। अगर आप बच्चे को ये मेडिसिन दे रहे हैं और उसकी उम्र जो है वो 10 साल से कम उम्र है, तो उसको आप लोग 15 बूंद नहीं देंगे, उसको सिर्फ आप लोगों को 10 बूंदे देनी है सुबह और शाम 1/4 कप वाटर के साथ मिक्स करके। तो ये मेडिसिन का रेगुलर यूज करने के बाद
आप धीरे धीरे देखेंगे कि आपका इम्यूनिटी सिस्टम जो है वो इम्प्रूव होना शुरू हो गया है। तो ये मेडिसिन का आप लोग तब तक यूज कर सकते हैं जब तक आपको अपने आप में आप लोगों को चेंजेस ना दुखे। तो आई होप यू गाइस एंजॉय दिस वीडियो। इफ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज गिव वन थम्स अप एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्लीज शेयर माई वीडियो विथ योर फ्रेंड्स फैमिली एंड रिलेटिव्स। आई विल मीट यू ऑल इन माई नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।